जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, मेरे सब कह रहते होंगे गोल्ड की इंट्राडे फोरकास्ट करेंगे हम। ठीक है, और गोल्ड सिंपल है, आपको सामने नजर आ रहा है सारा स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश बना हुआ है। यहाँ पे ओवरऑल सेलिंग है, लेकिन सेलिंग ऐसे नहीं होगी, एक मखसूस जगह पे सेल होगा। प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, ये चीज सबसे पहले हमने मार्क करनी है। रात को गोल्ड यहाँ पे था तो ये हमारे पास आउट ब्लॉक है, इस चीज को मैं अभी रिमूव करता हूँ। ठीक है, आपको देखो मार्केट डाउन आई तो वो आठ ब्लॉक को टैप करके ऊपर गई। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है SMS, और जरा मैं आपको अपने ग्रुप में दिखाऊं, ये है भाई मेरा ग्रुप। ठीक है, और अर्चीव में देखता हूँ, अर्चीव में मैंने एक अपना ग्रुप ठहराया हुआ है, ये भाई मेरा अर्चीव में ग्रुप ठहरा है। उसमें मैंने ये क्या कहा था कि भाई प्रीवियस चार्ट को जरा देखे, मार्केट SMS तक वापिस जाएगी। ये कहाँ पे लिखा है मैंने, एक मिनट आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये चेक करें, प्रीवियस चार्ट को देखें, आपको मार्केट SMS तक वापस जाती दिखाई देगी। और ये SMS है तो इसका मतलब मार्केट जहां तक जा सकती है। वो किस तरह से मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, ये वाली कैंडल, ये M30 की रेंज है जो कि 81 की ब्रेक हुई। अब मार्केट वापस रिटेस्ट करने आ रही है, अगेन 81 को रिटेस्ट कर सकती है, या ये एरिया है जो कि तकरीबन 80 से 76 का एरिया है, 76 to 80 का एरिया है, तो मार्केट इस एरिया से रिटेस्ट ले सकती है और आपको मार्केट एक बाय मूव दिखा सकती है कि भाई मार्केट बाय जाना चाहती है और अपना PDH को कवर करेगी। और एक ये एरिया है बाइंग का, ठीक है, लेकिन रिस्क बिल्कुल छोटा रखना है, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना आपने, ये चेक कर दें, रिस्क बिल्कुल छोटा। फर्ज करो आप इस एरिया से एंट्री लेना चाह रहे हो तो आपको बड़ा रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं है, आपने छोटा रिस्क ही लेना है। ठीक है, तो इस जगह से इतना रिस्क लेना, तकरीबन 10 या 15 पिप का या 20 पिप का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और TP आपका होना चाहिए ऊपर वाला PDH। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि PDH के बाद हम ये अगर देखें, इसका थोड़ा SL बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास 80 से एंट्री बनती है, तकरीबन SL आपका बन जाएगा 77, यानी कि 30 पिप का, लेकिन SL आप 50 पिप का कर लो, 74 कर लो कम से कम, ये लो। ठीक है, 65 का SL बनता है, फिर भी मैं समझता हूँ कि आपको SL छोटा करना चाहिए। SL छोटा करने से ये है कि आपका जो ये एरिया है जो कि तकरीबन 76 से लेके 80 का एरिया है, इसके 50% से आपने एंट्री लेनी है, फिर जाके आपका SL 40 पिप का बनेगा। ठीक है, और फिर आप इस चीज को, गोल्ड को आप देखोगे बाय की तरह। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश बता रहा है, SMS तक जाएगा। ओवरऑल से मुराद ये कह रहा हूँ कि भाई आपको जो ये मूव दिखाई दे रही है, ये वाली, ये बुलिश है। ठीक है, और हमने फिलहाल उठाना है ट्रेंड के मुताबिक, ट्रेड 20 से 50 पिप उठाना है, फिर मार्केट से निकल जाना है। मार्केट की ये एक्सपेंशन थी, जैसा कि मेरा रूल है अपना जो मैं ट्रेडिंग सिखाता हूँ उन लोगों को, वो ये है कि DMS यहाँ पे हुआ हमारे पास। ठीक है, और ये DMS हो गया, आपको एंट्री लेनी चाहिए आर्डर ब्लॉक पे। आर्डर ब्लॉक वैसे यहाँ पे बनता है, वो भी एक अलग ओपी है जो कि तकरीबन आपके SL के बिल्कुल करीब है, इसको भी आप नोट कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास आर्डर ब्लॉक हो गया, अभी मैं इस एंट्री को रिमूव करता हूँ और आपको ये चीज समझाता हूँ, और इस चीज को भी रिमूव करता हूँ। ये आपके पास हो गया भाई आर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब मार्केट या तो इसको रिजेक्शन दे जो कि नेक लाइन मैंने रेंज ब्रेकआउट पर लगाई हुई है, या फिर आपने आर्डर ब्लॉक से लेना है एंट्री। आर्डर ब्लॉक जो है तकरीबन आपका 73 to 76 का एरिया है, 30 पिप्स का आर्डर ब्लॉक है आपका, और जब आप एंट्री लोगे इस 76 से आपका SL 71 होना चाहिए, फिर भी 60 पिप का SL बनता है, तो आप आर्डर ब्लॉक के बिल्कुल 50% से एंट्री लेना अगर मार्केट आए तो। ठीक है, और फिर आपका SL बन जाएगा 40 पिप का। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपने देखना है। और मार्केट ने ये एक्सपेंशन दिया, ये रिट्रेसमेंट करने आ रही है, या यहाँ रिट्रेसमेंट करेगी या इस लेवल पर रिट्रेसमेंट करेगी, फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। तो ये गोल्ड की फोरकास्ट थी, और आज के दिन की थी, 17 तारीख है, तो काफी दोस्तों ने मैसेज किया कि फोरकास्ट अभी तक आपकी अपलोड नहीं हुई, तो टाइम नहीं मिला मुझे रात को कुछ थकावट की वजह से, इसलिए मैं फोरकास्ट अपलोड नहीं कर सका, तो इसलिए सोचा कि अभी मैं अपलोड कर दूं, अभी भी टाइम नहीं गुजरा। ठीक है, अभी मार्केट स्लो है तो शाम तक आपको मार्केट उम्मीद है ऊपर दिखाई देगी। तो ये वन डायरेक्शन गोल्ड के एनालिसिस हैं। SL मेरे भी हिट होते हैं, तो इससे आपने ये नहीं सोचना कि सलमान की एक्यूरेसी नहीं है,
कितने ऐसे चार्ट्स हैं जिनकी एक्यूरेसी मैंने आपको दिखाई है। मैंने आपको प्रीवियस फोरकास्ट में क्या कहा था कि आपने 98 से सेल करना है। अगर आपको ये चीज नहीं नजर आ रही तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि मैंने प्रीवियस फोरकास्ट में क्या कहा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाऊंगा अपने ग्रुप में और प्रीवियस फोरकास्ट मैंने जो अपलोड की थी गोल्ड फोरकास्ट 16 तारीख की, इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप खुद देखेंगे कि मैंने क्या बताया था और मार्केट डाउन आई है या नहीं आई। एसएमसी प्लस प्राइस एक्शन के हवाले से मैं आपको बताता रहता हूँ। आवाज इसकी ओपन कर लेता हूँ ताकि आप ये आपके सामने मेरी गोल की एंट्री आपने देखनी और मार्केट को ड्रॉप चेक करें 50% से। यही चीज जो मैंने शो होते हैं M5 में इसी वन में चलता हूँ। आप खुद चेक कर लो क्या एरिया बना। अगर मैं वापस यही H4 में जाता हूँ तो आपको चेक करो इतना शो होगा जो कि कंप्लीट कैंडल थी। ठीक है, अब आप देखो ये जो जोन है, अब आपने इस जोन से एंट्री लेनी है। इस एरिया को मैं रिमूव करता हूँ इसके 50% से, 98 से 2400 का एरिया था 50% से। यही चीज जो मैंने जो कि इसके और मार्केट जो मैंने डाउन कहा था, मैंने कहा कि 2352 पे आएगी, लेकिन मार्केट कहाँ तक आई, 2373 तक मार्केट आई है। ये जो एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, जो मैं डायरेक्शन देता हूँ मार्केट वन डायरेक्शन ही देता हूँ, या एसएल होगा या टीपी होगा, ये अपना फोरकास्ट रिमूव कर रहा हूँ। इस तरह से आप अगर सपोर्ट करते रहोगे तो मजीद मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा इस तरह से अच्छी अच्छी, ठीक है। आप खुद देखो किस तरह से खूबसूरत चार्ट मैंने बनाया, प्लस वॉल्यूम को भी साथ ऐड करता हूँ। और इंशाल्लाह मैं जल्दी एसएमसी की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। लेकिन सबसे बेहतर पहले ये है कि मुझे अगर कुछ रेस्पॉन्स नजर आएगा कि भाई देखने वाले, वीडियो को शेयर करने वाले, लाइक करने वाले, कमेंट करने वाले लोग आ गए हैं, तो फिर इंशाल्लाह मैं अपना फुल कोर्स एसएमसी का अपलोड कर दूंगा। मेरा एसएमसी में काफी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको आईसीटी की नजर आएंगी, और सिंपल मेरा कॉन्सेप्ट है। मैं कोई लंबी चीज नहीं पढ़ाता, ना कोई ऐसी चीज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता कि आपको समझने में मसला हो। मैं इजीली 2-4 एसएमसी की बातें बताता हूँ और एसएमसी बंदा सीख जाता है, उसके ऊपर काम करता है, या एसएल होगा या टीपी होगा, लेकिन ये है कि वो बंदा वन डायरेक्शन एनालिसिस कर सकेगा। ठीक हो गया, अभी के लिए मुझे इजाजत है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। बाकी आपने एक रेंज पे नजर रखनी है, एक इस आउट ऑफ ब्लॉक पे नजर रखनी है। इसलिए रेंज पे मैंने छोटा स्टॉप लॉस रखा कि कैंडल अगर इसके नीचे ब्रेक होती है तो फिर मार्केट डाउन आएगी इस आउट ऑफ ब्लॉक के ऊपर। ठीक हो गया, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी।